हे गाइस, व्हाट्स अप? कैसे हो? क्या चल रहा है? कैसे जा रहे हैं आप लोग एग्ज़ाम्स? सब चंगा? ठीक. सबसे पहले आप सभी का स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है अनअकैडमी. ठीक है, लेट्स क्रैक इट. लेट्स क्रैक माय डियर, लेट्स क्रैक इट. लेट्स क्रैक जे विद अस. इट्स अबाउट मी, माई सेल्फ धीरेन्द्र छेत्रपाल. मोर देन प्लस 6 ईयर्स का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है. मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में कर रखा है. IIT जैम रैंक मेरी 694 रही है. ठीक है, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके. फटाफट से इस ऐप को माई डी डाउनलोड कर लीजिए और आप हमसे कनेक्ट हो जाइए. खुद तो कनेक्ट होंगे होंगे, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए प्लीज़ इस ऐप को डाउनलोड करें और कनेक्ट हो जाएं. ठीक है माय डियर, क्या बेनिफिट्स हैं हमसे कनेक्ट होने के? क्यों आप हमसे कनेक्ट होना चाहेंगे? तो माय डियर, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं कनेक्ट होने के. उनमें से कुछ बेनिफिट्स मैं आपको समझाता हूँ. सबसे पहला बेनिफिट है डेली लाइव क्लासेस का. अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको हमारे साथ डायरेक्ट लाइव कनेक्ट करने का मौका देता है, जहाँ पे आप अपने बिंदास होके जैसे भी जो भी डाउट्स होते हैं आप पूछ सकते हो. इसके अलावा हम क्वेश्चन आंसर्स के दौरान पोलिंग करवाते हैं. पोलिंग से फ़ायदा हमको ये होता है कि हमको ये पता चलता है कि कितने बच्चों ने क्लास में सवाल को सही किया और कितने बच्चों ने सवाल को रॉन्ग किया. इसके अलावा जिन्होंने सही किया उन्होंने कितने सेकंड्स में क्वेश्चन ख़त्म किया. ठीक है, ये लाइव क्लासेस का बहुत बड़ा खासियत है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ द लाइव टेस्ट एंड क्विज. आप जब हमसे कनेक्ट होंगे तो आपको मौका मिलता है मॉक टेस्ट एंड क्विज देने का. सवाल उठता है कि आप क्यों मॉक टेस्ट देते हैं और क्यों क्विज देते हैं? तो देखो यार, पढ़ाई तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन एट द एंड आपको ये पता नहीं चलता है कि आपका पढ़ने का डायरेक्शन सही है रॉन्ग है, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपका स्पीड क्या है. क्वेश्चन तो आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन उस क्वेश्चन को अगर उस क्वेश्चन के लिए टाइम अलॉट मात्र 1 मिनट किया गया है और आप उसको 4 मिनट में ख़त्म कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो ना करने के बराबर है. द रीज़न बिहाइंड कि आप उसके चक्कर में और भी क्वेश्चंस को छोड़ दोगे अगर आपने एक में ज़्यादा टाइम दे दिया. तो कभी कभी हम ठान लेते नहीं बेटा आज तो क्वेश्चन करके रहेंगे, वो आपकी गलत स्ट्रेटजी है एग्ज़ाम को लेके. आप जब मॉक टेस्ट और क्विज दोगे तो आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम के लिए किस स्ट्रेटजी से काम करना चाहिए, क्या हमारे माइंड में प्लानिंग होनी चाहिए, सो दैट हम अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरह क्रैक कर सकें. और वो सारे एक्सपीरियंस यार मॉक देने से आते हैं. सीधे आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठा दिया जाएगा और आपसे बोलेंगे पेपर दे दो, तो बहुत सारी गलतियाँ करोगे. तो मॉक टेस्ट देने से जितनी गलतियाँ करनी आप हमारे साथ मिलके कर लो, डजेंट मैटर, हम आपको सिखाएंगे आपने कहाँ गलती की है. बट एग्ज़ाम हॉल में वो चीज़ कंसिडरेबल नहीं होगी, वो आपका लॉस है सीधे. ठीक है, एक एक मार्क्स के लिए लड़ाई है बच्चे, एक एक मार्क्स के लिए. इसलिए आप जब मॉक टेस्ट इंक्रीज देंगे तो आप अपने परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर पाएंगे, बढ़ा पाएंगे, ग्रोथ हो पाएगी आपकी परफॉर्मेंस में और आप बहुत इजीली अच्छे मार्क्स से जेई को क्रैक कर पाएंगे. ठीक, नेक्स्ट इज आर स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लान. माय डियर, हमारा जितना भी प्लान है, मतलब A to Z जितने भी प्लान हमारे अनअकैडमी में है, वो सारे प्लान अपने आप में एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में है, एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में है. दैट मीन्स आपको रेगुलर बेसिस पे DPP मिलती है, माइनर टेस्ट होते हैं, मेजर टेस्ट होते हैं, आपको एक स्पेसिफिक बैच अलॉट किया होता है, उसमें स्पेसिफिक टीचर्स होते हैं आपको पढ़ाने वाले. इसके अलावा आपके मन में जब भी कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो. इसके अलावा हम क्वेश्चंस का पैटर्न बनाए रहते हैं, लेवल O, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड सो ऑन. ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर को, इस कोर्स को ख़त्म करने की स्पेसिफिक टाइमिंग भी होती है. ऐसा नहीं कि भैया शुरू किया तो एक कोर्स ही ख़त्म नहीं हुआ, तो ये सब नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ें आपके एग्ज़ाम पे इम्पैक्ट दिखाएंगी. उस इम्पैक्ट से बचने के लिए, उस एग्ज़ाम को इजीली तरह से क्रैक करने के लिए आपको हमेशा एक शेड्यूल्ड में रहना पड़ेगा. ठीक है, ओके. इसलिए स्ट्रक्चर्ड कोर्स का होना बहुत ज़रूरी है. आपका एक शेड्यूल बना रहेगा, उससे आप कभी भी क्लास को मिस नहीं करोगे, लैग नहीं करोगे क्लास को, आपका इफेक्ट कभी नहीं आएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज आर अनलिमिटेड एक्सेस. अनलिमिटेड एक्सेस तो मुझे लगता है कि इसकी ब्यूटी है पूरे इस ऐप की. ठीक है, बहुत सारी अच्छी खासियत है लेकिन मुझे अपने आप में ही ज़्यादा फेवरेट लगती है. इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इनकेस अगर आप किसी रीज़न से आप हमारा लाइव क्लास मिस कर जाते हो तो आपको रिकॉर्डेड देखने का मौका मिलेगा. इसके अलावा
अनअकैडमी में यार एन नंबर ऑफ फैकल्टीज पढ़ाते हैं, आप सब्सक्रिप्शन प्लान एक का लोगे, प्लस प्लान एक का लोगे, लेकिन आपके पास मौका है, आप अपने हिसाब से टीचर चुनो, अपना टीचर चुनो, जो आपको अच्छा लगे उसको चुनो, ठीक है, उसके बैच में जाके एनरोल करो अपने आप को, अपने कंफर्ट जोन में रह के पढ़ाई करो। ये सारे मैटर चीज़ें मैटर करती हैं, ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं यार, ठीक है। बहुत बड़ी बात है कि आप प्लस कोर्स तो एक का ले रहे हो, लेकिन आपको एन नंबर ऑफ इंडिया के टॉप फैकल्टीज से पढ़ने का मौका मिल रहा है। मतलब शायद ही कोई इंस्टीट्यूट मेरे नॉलेज में इंडिया में होगा जो आपको फीस तो एक सब की लेगा और कहेगा कि भैया जाओ इसे भी पढ़ लो, इसे भी पढ़ लो, इसे भी पढ़ लो। नहीं, यहाँ पे आपके पास खुली छूट है, खुला मौका है, आप बिंदास होकर जिस जो आपको अच्छा लगता है उसी बैच में जाओ, जितने बजे पढ़ना है उतने बजे पढ़ो यार। तो है ना ये मतलब इस ऐप की ब्यूटी, ठीक है। हमसे कनेक्ट होने के लिए, हमारे प्लान को लेने के लिए बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही अफोर्डेबल फीस पे करनी पड़ेगी माय डियर। हमारी 12 मंथ की जो फीस है वो है 38,500। इसके अलावा भी हम आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देंगे, और आफ्टर दिस डिस्काउंट माय डियर, आफ्टर दिस डिस्काउंट आपको जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 34,650। मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपको 34,650 हमको पे करना है, ठीक है। और इस 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा कैसे, तो आपको उसके लिए मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि तो कोड है धीरेन, दैट इज़ DHIREN। दोस्तों इस कोड को माइंड में सेटअप करो, यही आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप क्लास 11th में हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 12 मंथ की जगह 24 मंथ वाला प्लान लीजिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि लंबी जर्नी रहेगी तो ज़्यादा मौका मिलेगा आपके साथ कनेक्ट होने का, ज़्यादा आपको हम समझ पाएंगे, आप हमसे ज़्यादा क्लास ले पाओगे और एक कंप्लीट निचोड़ निकलेगा, अपने पास समय पूरा होगा, ठीक है। और इसको प्लान को लेने के लिए आपको ओनली एंड ओनली 56,000 पे करना है। इसके अलावा भी हम अगेन इसमें भी आपको हम 10% का डिस्काउंट देंगे, और आफ्टर डिस्काउंट जो आपका अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 50,400। माय डियर ओनली एंड ओनली 50,400 को पे करना है, और आप हमसे 24 मंथ्स के लिए कनेक्ट हो रहे हो। अगेन इस 10% के को अवेल करने के लिए आपको मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ धीरेन DHIREN, ठीक है। इसके अलावा बच्चे, अगर आप इस अमाउंट को एक साथ नहीं पे करना चाहते हो तो आप हमारी आसान किस्तों में भी पे कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ, ठीक है। अगर मैं आसान किस्तों की बात कर रहा हूँ तो माय डियर देख सकते हो यार कि अगर मैं देखता हूँ तो पर मंथ की जो कॉस्ट आ रही है EMI पे वो आ रही है 2100। अब यार तुम्हारे पास 2100 है तीन सब्जेक्ट के लिए, मतलब पर सब्जेक्ट कितना पड़ा 700। मतलब 700 आप पर सब्जेक्ट का दे रहे हो, ओनली एंड ओनली 700। इसमें आपको एन नंबर ऑफ फैकल्टीज कनेक्ट हो रहे हैं, आपको DP भी मिल रही है, आपके डाउट सॉल्व हो रहे हैं, आपके 1-to-1 क्लास चल रही है, आपकी टाइमिंग पे क्लास चल रही है। इससे बड़ी बात यार मेरे हिसाब से कुछ नहीं हो सकती। मतलब अपनी आप गली कूचे की कोचिंग भी देखोगे तो एक सब्जेक्ट का 1,500 से तो कम नहीं लेती है, और वो पढ़ाते हैं एक ही बंदे। यहाँ पे आप टॉप क्लास के एन नंबर ऑफ फैकल्टीज से पढ़ रहे हो, तो यार इससे इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल कुछ नहीं होगा यार, और प्रॉफिटेबल भी, फ़ायदा आपका है यार, ठीक है दोस्त। इसके अलावा मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप क्यों नहीं 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ को लोगे, ये प्लान आपको नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है इसको ना लेने का। द रीज़न बिहाइंड कि मुझे ऐसा लगता है कि यार हर चीज़ अपने आप में एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में है, तो उसे स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में ही रहने दो। क्या कहने का सेंस है दोस्त, अगर मैं 11th और 12th को कंबाइन करूं तो PCM मिला के मेरी नॉलेज में 90+ चैप्टर्स हैं। अब यार 90+ चैप्टर्स क्या वाकई 3 महीने और 6 महीने में ख़त्म कर पाओगे और इस लेवल पे ख़त्म कर दोगे कि आपका JEE एडवांस निकल जाए? मेरी समझ से परे है यार, मेरी समझ से बात परे है 6 मंथ के लिए। तो एटलीस्ट 12 मंथ तो हो ही हो, और ज़्यादा अच्छा है आप 24 मंथ में रहो। तो सोचो, आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, ज़्यादा मौका मिलेगा, अपनी गलतियाँ तुम ज़्यादा निकाल सकोगे। इसलिए कभी भी यार 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ को लेके तुम्हारा कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि मैं क्या आपसे कह रहा हूँ, ठीक दोस्तों। तो फटाफट से हमारे इस जितने भी बेनिफिट्स मैंने अभी आपको बताए, इसको अवेल करने के लिए आप हमको प्लस कोर्स में आइए, बहुत मज़ा आती है, बहुत इन्जॉय करेंगे आप, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है।
ये देख सकते हो, ये क्लास की कुछ झलकियाँ हैं। हमारे यहाँ स्पेशल क्लासेस भी चलती हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी स्पेशल क्लासेस भी देख सकते हो। स्पेशल क्लासेस की कुछ झलकियाँ हैं जहाँ पे बच्चे आराम से मुझसे बातें करते हैं, देख सकते हो चैट बॉक्स में बच्चे बात कर रहे हैं, सर कोई बोल रहा है पोल करने को, ठीक है। इसका मतलब वहाँ पे ना लाइव का अपना अलग मज़ा है यार, एक अलग फीलिंग आती है कि आप लाइव क्लास में हो, ठीक है। वहाँ पे आप हमसे बिंदास होके पूछते हो जो भी मन में जवाब सवाल कुछ भी होता है, आप सवाल का करते हो, ठीक है। जनरली मेरी मेरी सीरीज जो होती है या तो रात के 9 बजे होती है और 12 बजे होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी रात के 9 बजे मेरी रहती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस ऐप को डाउनलोड करो, मेरा नाम सर्च करो, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लो। आपको जैसे ही मेरी क्लास अलॉट होगी आपको अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा कि हाँ दैट धीरेन्द्र सर की क्लास होने वाली है, ठीक है। और आपको वहाँ पे अपडेट मिलता रहेगा कि कौन से टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं दोस्त वहाँ पे, ठीक है। अभी शुरू करते हैं अपना मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की सीरीज़। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं हमेशा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को उठाता हूँ और उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस, उस पर रिलेटेड थ्योरीज जो पढ़ा सकता हूँ वो पढ़ाता हूँ, ठीक है। इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए जो मैंने रिएक्शन शुरू किया हुआ है वो है रिएक्शन मैकेनिज्म, और ये बहुत टाइम से चल रहा है। आज ये रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट 16 लॉन्च होने वाला है, मतलब हमने पार्ट 15 तक ख़त्म कर दिया है। अब आप सोचो कि कितना डेप्थ में मैं गया हूँगा कि मैंने पार्ट 15 तक ख़त्म किया, अभी ये पार्ट 16, अभी ना जाने और कितने पार्ट आएंगे। यही एक इम्पॉर्टेंट ब्यूटी है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे पढ़ने को मिल रहा है, क्योंकि एजुकेशन सबसे ऊपर है, सबसे अव्वल है, इस बात का ख्याल रखा है हमारी टीम ने, हमारे डायरेक्टर ने, ठीक है। इसलिए उसकी मिनिमम मिनिमम कॉस्ट रखी गई है। ऐसा नहीं कि हम 1.5 लाख और 2 लाख लेके आपके करियर से मजाक करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस पार्ट को। आज का जो पार्ट है, आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है द एलिमिनेशन रिएक्शन। द एलिमिनेशन रिएक्शन, कभी नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा इसके बारे में, मैंने स्पेशल द लगाया है, सोचिए, ठीक है। अब अगर द लगाया है तो कुछ तवज्जो दिया होगा, किसकी कुछ वेटेज रही होगी, इसलिए द लगा दिया मैंने, ठीक है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन अपने आप में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है, मतलब अगर आप एलिमिनेशन रिएक्शन को समझ लेते हो, उसके टाइप्स को जान लेते हो, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या सीखना है हमको एलिमिनेशन रिएक्शन में, क्या कहती है हमसे एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो आइए, जब मैं बात एलिमिनेशन रिएक्शन की करता हूँ, तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन जनरली दो तरह की होती है। एक होती है अल्फा एलिमिनेशन और एक होती है हमारी बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। बीटा के सब पार्ट्स होते हैं, दैट इज बीटा वन, दैट इज ईवन ई टू एंड ईवन सी बी, और चौथा होता है ई आई। ये चार तरह के बीटा एलिमिनेशन होते हैं, हमको इन सबके डेप्थ में आराम से बहुत हौले हौले बहुत शिद्दत से पढ़ना है कि क्या होता है एलिमिनेशन, कैसे अल्फा एलिमिनेशन बीटा से अलग है, और बीटा में भी कैसे हम बीटा वन बीटा टू या बीटा सी बी करते हैं या इवन ई टू इवन सी भी करते हैं। ये सब कुछ सीखेंगे और बहुत आराम से प्रैक्टिकली बैठ के सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ऊपर ऊपर से देते हैं कि सबसे पहला व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अल्फा एलिमिनेशन एंड बीटा एलिमिनेशन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फा एलिमिनेशन एंड बीटा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन में बेसिक सा डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं पहले अल्फा एलिमिनेशन की, तो आप अल्फा एलिमिनेशन में ये पाओगे कि जिस कार्बन से हैलोजन लगा है हमको उसी कार्बन को रिप्लेस करना है। यहां पे मान लीजिए कोई हाइड्रोजन लगा है, तो जिस कार्बन से हैलोजन लगा है वहीं से आप हैलोजन रिप्लेस कर रहे हो, सारे हैलोजन वहीं से रिप्लेस कर रहे हो। तो जब कभी भी एक ही कार्बन से दो दो हैलोजन रिप्लेस हो रहे हैं या कोई लीविंग ग्रुप बाहर जा रहा है, उसको बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन, ठीक है। एक बात याद रखिएगा कि एलिमिनेशन की बेसिक कंडीशन है लीविंग ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है,
और एक ऐसा लिविंग ग्रुप जो इजीली से बाहर निकल जाए, कठिनाई से निकलेगा तो फिर हम उसके बारे में सोचेंगे क्या करना है। तो अल्फा हेलोजनेशन में एक ही कार्बन से दोनों हेलोजन बाहर निकलते हैं। कैसे निकलते हैं मैं अभी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे दोस्त मान लो मुझे इस क्लोरोफॉर्म से दोनों सीएल को बाहर निकालना है, ठीक है, एक ही क्लोरोफॉर्म है, एक ही कार्बन है, उससे लगे वो दो सीएल है, उसको मुझे बाहर निकालना है। तो उसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं मैकेनिज्म पे अभी बाद में जाऊँगा, बट अभी आपको ऊपर समझा रहा हूँ कि क्या डिफरेंस होता है अल्फा और बीटा में। तो देखो, अगर आपने कभी पढ़ा हो कि क्लोरोफॉर्म का ये जो हाइड्रोजन है ये एसिड नहीं है, तगड़ा एसिड है। अब ऐसे मैं कैसे बोल रहा हूँ कि, तो आपको पता होगा यार कि यहाँ पे सी एल सी एल लगे हैं, और आपको पता है कि जब एक एसिड अपना एच प्लस आयन लूज करता है तो कंजुगेट बेस बनता है। तो आपको पता है कि ये सी एल माइनस अगर लूज भी कर जाएगा तो अच्छा स्टेबल कंजुगेट बेस बन जाएगा बाय द हेल्प ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो आप क्या करते हो, इस एच प्लस को यहाँ से इस बेस की हेल्प से एसिड बेस रिएक्शन कराते हो, और आपके इस एसिड बेस रिएक्शन कराने की वजह से कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है, यहाँ सी एल, यहाँ सी एल, यहाँ सी एल, यहाँ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से जो एच प्लस बाहर निकलता है वो बेस से इंटरेक्ट करके, तो ये इस एसिड का क्या बन गया, हमारा कंजुगेट बेस बन गया। अब इसमें आपको पता है कि यार मैंने बहुत बार केमिकल बॉन्डिंग में बताया है, या आपको पर्सनल नॉलेज भी है कि एक स्टेबल है बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। अगर मैं इसको एक और नाम दूं तो ज़्यादा अच्छा होगा, ड्यू टू डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। देयर इज अ स्लाइटली वाला डिफरेंस बिटवीन द बैक बॉन्डिंग एंड डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। किसी को डेप्थ इनऑर्गेनिक की नॉलेज होगी, केमिकल बॉन्डिंग की नॉलेज होगी, तो वो पकड़ लेगा मेरी बात को, ठीक है। अभी फिलहाल आपके लिए बैक बॉन्डिंग और ये एक ही तरफ टाइप का है, तो ये इस फॉर्म में है। और उसके बाद भी अगर आप इसको चाहो, क्योंकि आप अल्फा एलिमिनेशन कर रहे हो, तो इसको आप अलग कर सकते हो सीएल को, यहाँ से सीएल बाहर भेज सकते हो, और आपको यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन आएगी। तो ये जो आपको देख रहा है ना, ये आपको कार्बीन दिख रही है, ये लोन पेयर नहीं है, हाथी के दांत हैं, दिखाने कुछ और खाने कुछ और, ये कार्बीन है बेटा। इसको हम लोग सही नाम देते हैं, इसको बोलते हैं डाई क्लोरोकार्बीन। कार्बीन कैसी होती है, कैसे काम करती है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल मैंने पहले क्लोरोफॉर्म लिया, उसमें थोड़ा सा बेस डाला, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस रिएक्शन हुआ, कंजुगेट बेस अपने आप में स्टेबल है, फिर भी अगर आप इसको ही निकालना चाहते हो कि आप एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहे हो, तो आपको एक ही से दोनों हैलोजन बाहर निकालने पड़ जाएंगे, और ये आपका बन जाएगा कार्बीन। द ब्यूटी ऑफ दिस अल्फा एलिमिनेशन इज माय डियर, जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकाला है उसी कार्बन से हैलोजन भी निकाला है, देख सकते हो, जिस कार्बन से हमने हाइड्रोजन निकाला है उसी कार्बन से हैलोजन भी निकाला है। हाइड्रोजन और हैलोजन एक ही कार्बन से निकालने की वजह से इसको अपन लोग अल्फा एलिमिनेशन बुलाते हैं। याद रहेगी बात, अल्फा एलिमिनेशन को पहचानने का तरीका कि जिस कार्बन से आपने हाइड्रोजन निकाला है उसी कार्बन से आप लिविंग ग्रुप को भी निकालोगे, ठीक है। लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन एक ही कार्बन से निकलेंगे, इसी वजह से इसका नाम दिया गया है अल्फा एलिमिनेशन, या इसको कुछ बुक्स 1.1 एलिमिनेशन भी बुलाती हैं, कुछ बुक्स इसको 1.1 एलिमिनेशन भी बुलाती हैं। द रीज़न बिहाइंड कि जिस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा है उसी पे हाइड्रोजन लगा है, तो IUPAC जब करोगे तो 1-1 वाली बात आ जाएगी। तो यहाँ पे जो 1-1 रिप्रेजेंट कर रहा है एक इधर वाले हाइड्रोजन को, और एक रिप्रेजेंट कर रहा है इसके हाइड्रोजन को। जब कभी भी हाइड्रोजन हैलोजन्स की बात आती है, एक ही मेंबर से निकलते हैं, तो उसको बोलते हैं कि हाँ यार अपन लोग ने अल्फा एलिमिनेशन टेक प्लेस करवाई है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट आएगा बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन की बात में क्या होता है, इसको अपन लोग कुछ बुक्स 1.2 एलिमिनेशन बुलाती हैं, और कुछ बुक्स में मैंने अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी पढ़ा है। तो कुछ भी आप नाम देख सकते हो, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, ओनली बीटा एलिमिनेशन, या आप इसको 1.2 एलिमिनेशन बुलाते हो। अब थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा ना यार अल्फा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन में। तो देखो,
डिफरेंस समझना, अभी मैं मैकेनिज्म का प्रोडक्ट नहीं बता रहा, मैं मैकेनिज्म नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि इसमें जिस कार्बन से हेलोजन निकालना है उसके बगल वाले कार्बन से आपको हाइड्रोजन निकालना है। यहाँ पे क्या है, जिस कार्बन से हेलोजन निकालना है उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है। तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से, और जहाँ से आप हाइड्रोजन निकाल रहे हो उसको रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से। तो हम लोग हाइड्रोजन के निकलने का रास्ता देखते हैं, उसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन बुलाते हैं, या अगर आपको अल्फा बीटा बुलाना हो तो अल्फा इन रिस्पेक्ट ऑफ हेलोजन एंड बीटा इन रिस्पेक्ट ऑफ द हाइड्रोजन दैट इज अटैच टू द कार्बन, ठीक है। और आप इस अल्फा बीटा एलिमिनेशन करते हो और आपका प्रोडक्ट बन जाता है, ये दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट क्या होगा, कैसी मैकेनिज्म होगी, ये सब हम अभी अंदर बातें करेंगे। अभी बस मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फा एलिमिनेशन एंड बीटा एलिमिनेशन। व्हेन समवन सेज अल्फा एलिमिनेशन की होता है, तो अल्फा एलिमिनेशन आप अल्फा से ही हाइड्रोजन निकालते हो और अल्फा से ही आप हेलोजन निकालते हो। और बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, जब आप बीटा से हाइड्रोजन निकालते हो और अल्फा से हेलोजन निकालते हो। इवन आगे चल के हम पढ़ेंगे गामा एलिमिनेशन, कुछ नहीं होगा, अल्फा से हाइड्रोजन निकाल देंगे, ठीक है, या अल्फा से आप क्या करोगे, सॉरी अल्फा से आप हाइड्रोजन निकालोगे और गामा से आप हाइड्रोजन निकालोगे। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैसे प्रोडक्ट बना, क्यों बना, अभी मैं आपके इस बारे में कुछ डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, आगे चल के इसको भी हम लोग एलिमिनेशन के फॉर्म में ही पढ़ेंगे, क्यों ये प्रोडक्ट बना, क्यों कोई और प्रोडक्ट नहीं बना, ये सारी बातें अपन लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसी में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जो मेजॉरिटी में एग्जाम में आता है वो असल में बीटा एलिमिनेशन आता है, जो मेजॉरिटी में आता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं गामा नहीं पढ़ाऊंगा या मैं अल्फा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सब कुछ पढ़ा दूंगा, बट मेजॉरिटी को लेके चलते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की सीरीज है तो मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ें ही पढ़ाने वाला हूँ, है ना। तो शुरू करते हैं दोस्त अपना बीटा एलिमिनेशन के बारे में। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि बीटा भी चार तरह के होते हैं, एक होता है ई1, एक होता है ई2, एक होता है ई1CB और चौथा होता है ई1। चार तरह के अपन लोग बीटा एलिमिनेशन टाइप पढ़ते हैं। तो अब अपन लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि किसको क्या बुलाते हैं और क्यों किसको क्या नाम दिया गया, नहीं नाम देता तो क्या होता, अलग नाम देता तो क्या होता, एंड सो ऑन, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द ईवन, दैट इज बीटा, सिर्फ ईवन। लेट्स स्टार्ट विद द बीटा एलिमिनेशन ऑफ ईवन। दोस्त नाम कोई पकड़ पाओ तो बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है उसमें से। ई एंड वन, दो लाइन एक साथ लिखी हुई है इसने, तो देखो यार दोस्त ई का मतलब तो उसने एलिमिनेशन को रिप्रेजेंट किया होगा, एंड ये वन को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ये इसकी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है, इसकी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है। जब कभी भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक होगी तो यहाँ पे मेंशन करता है ई। अब इसको करते कैसे हैं, मेरा मेन मोटिव यही है कि हमको अल्फा से हेलोजन निकालना है और बीटा से हमको हाइड्रोजन निकालना है। तो दोस्त लेट सपोज करना तुम्हारे पास कुछ ऐसी एक सिचुएशन ले लेते हैं। इसके दो स्टेप होंगे, सबसे पहला आएगा स्टेप नंबर फर्स्ट। इस स्टेप को अपन लोग फॉर्मेशन ऑफ, ये क्या हो रहा है, इस स्टेप को अपन लोग फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बुलाएंगे। मतलब ये आपका कुछ रहा होगा ऐसे, और आप यहाँ से इसको अलग कर रहे होगे, अलग करोगे तो ये स्लो स्टेप है, दोस्त मेरे आपको अच्छी तरह पता है कि एक ही डिब्बे में H+ और एक ही डिब्बे में Cl- जब रहेंगे तो बेटा वो तुम्हारा इंतज़ार नहीं करेंगे, हाँ सर हम तो अलग हो गए कोई बात नहीं, ऐसे नहीं चलेगा ना, ये बहुत स्लो है, ये रिवर्सिबल भी जाती है। अब इसको झुंझुना तो तुम्हें पहनाना ही पड़ेगा, तुम्हें झुंझुना पहनाने का मतलब इस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और Cl पे नेगेटिव चार्ज को तुम्हें दूर दूर रखना है, अगर तुम नहीं रखोगे तो डिब्बे में वापस ये बन जाएंगे। और तुम्हें क्या चाहिए, फ्री फॉर्म ऑफ कार्बोकैटायन चाहिए, क्या चाहिए, फ्री फॉर्म ऑफ कार्बोकैटायन चाहिए।
तो पहले स्टेप में आप इसको करने के लिए इसको झुंझुना पहना रहे हो, और जब आप इसको झुंझुना पहना रहे हो दोस्त, तो तुम्हारी असर में कुछ ऐसा हो रहा है, ये तुम इसको पानी का झुंझुना पहना लो। पानी क्या करेगा? पानी बोलेगा भैया मेरे पास जो है, मैं आयोनाइज्ड वाटर हूँ, मान लेना मेरे पास पार्शली नेगेटिव भी होगा और पार्शली पॉजिटिव भी होगा, तो हम एक काम करते हैं, वो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव से इंटरेक्ट करवा देते हैं, और ये जो हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज है वो सीएल से इंटरेक्ट करा लेते हैं, मतलब झुंझुना पहना दिया गया। ओवरऑल ये वापस अलग नहीं होंगे, ये इस वाटर ने एज अ ब्रिज का काम किया, भैया चल मुझे जो है मेरा रोल ही यही है कि मैं इसको अलग कर सकूँ, या यूँ कहूँ मेरा रोल ये है कि मैं इसको जुड़ने ना दूँ। दिस स्टेप इज़ नोन एज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, दैट इज स्टेप नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट इज यार स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू, अब अगर मैं स्टेप नंबर टू की बात करता हूँ, तो आपको मौका मिल गया कि आप अगर इस कार्बोकैटायन को खाली फॉर्म में देख रहे हो, तो आपको पता है कि दोस्त कि कार्बोकैटायन sp2 है। अब आप क्या करते हो, अब यहाँ पे क्या करते हो, कोई भी बेस डालते हो, पानी कोई एज अ वीक बेस भी मान लो चलेगा, क्योंकि आपने पानी डाला हुआ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, CH2H, CH2H, तो यहाँ से मैंने निकाला H। अब असल में हुआ क्या होगा, असल में होना के वाला है, होना ये वाला है कि ये बॉन्ड ऐसे टूटने वाला है, ठीक है, और ये एच इसके साथ इंटरेक्ट करने वाला है, और डबल बॉन्ड कुछ ऐसे बनने वाला है, और बाहर निकलने वाला है H3O+, ठीक है, H3O+ जो है आपका बाहर निकलेगा। मन में सवाल तुरंत आया होगा, जो कि बीइंग अ स्टूडेंट आता है हर बच्चे को, सर आप मुझे एक बस छोटी सी बात बताओ कि सर इस वाटर को कैसे पता चला कि सर इसको इस हाइड्रोजन पे ही अटैक करना है और इसको इसके पॉजिटिव चार्ज पे अटैक नहीं करना है, क्यों सर? अगर सर ये वाटर के लून पर पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर देते तो सर क्या होता? और सर होता ये बेटा कि सब्स्टिट्यूशन हो जाता। क्या हो जाता? सब्स्टिट्यूशन हो जाता, जो हम पीछे पड़े हैं, हमें क्या करना है, एलिमिनेशन करना है। एलिमिनेशन करने के लिए जिस कार्बन पे सीएल लगा है उसको अल्फा, ठीक है, उसके बगल वाले हाइड्रोजन जिससे मैं हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा हूँ उसको बीटा, इस वजह से मैंने अल्फा बीटा किया। लेकिन अभी भी बात कम पची होगी कि सर वाटर को कैसे पता चलेगा कि मुझे नहीं यहाँ नहीं यहाँ अटैक करने जाना है, तो आगे चल के हम ये चीज़ देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि मुझे SN1 ना जाने से रोकते हैं और E1 की तरफ ले जाते हैं। आगे चल के हम कंपैरिजन करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी तुम पहली वीडियो है एलिमिनेशन की, इसे तुम मेरी बात अपने दिल पे लेके मान लो कि हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे अटैक कर रहा है, नहीं तो पहले हम पहले एलिमिनेशन पूरा पढ़ाते हैं फिर जब हम आपको दिखाते हैं तो आपको समझ में आता है, अच्छा सर सब्स्टिट्यूशन इस वजह से हो रहा था और सर एलिमिनेशन इस वजह से हो रहा है। नहीं तो सर टू बी वेरी ऑनेस्ट वाटर का कोई सपने नहीं आने वाले कि नहीं बेटा मैं तो जा रहा हूँ हाइड्रोजन पर अटैक करने और कार्बोकैटायन सामने बैठा है, मतलब तुम्हें कार्बोकैटायन दिख रहा है, वाटर को लोन पर दिख रहा है, उसने इस पर अटैक नहीं किया, उसने इसके हाइड्रोजन पर अटैक किया, तो बात थोड़ी कम पच रही है मन में, अपने आप से जबरदस्ती में केमिस्ट्री में कुछ हो जा रहा है। तो आगे चल के हम देखेंगे कि ऐसा क्या फैक्टर है जो कि वाटर को मजबूर कर रहा है। तब तक तुम दिमाग चलाओ कि तुमने अगर पढ़ा भी है तो तुम्हारे सर ने शायद ये बताया कि नहीं बताया, उन्हें तो सीधे यही बताया होगा कि वाटर है H+ को लेके आया, ख़त्म हो गया, इसका जुगाड़ सेट हो गया, डबल बॉन्ड बन गया। लेकिन वाटर को कैसे पता चला कि मुझे नहीं यार मुझे तो कार्बोकैटायन पे अटैक नहीं करना है, अगर मैं गलती से कर भी दूंगा, अगर मैंने गलती से कर भी दिया तो सर इंस्टेंट ऑफ एलिमिनेशन सर मुझे पता है सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ये तो तुम्हें मुझे पता है ना कि सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, उसे कैसे पता चला कि सब्स्टिट्यूशन करने जाना है या मुझे एलिमिनेशन करने जाना है? या मैंने पहले ही बोला बेटा पानी एलिमिनेशन जाओगे सब्स्टिट्यूशन, तो बोलता हुक्म मेरे आका, ऐसे चलेगा, ऐसा कुछ होने वाला है? आंसर इज नहीं होने वाला दोस्त, इसका मतलब देस इज समथिंग जो कि कुछ ड्राइविंग फोर्स है जो कि वाटर को कहता है या वाटर में डालने पर उसे मजबूर कर रहा है कि तुझे एलिमिनेशन के बीटा हाइड्रोजन को उड़ाना है, तुझे इस कार्बोकैटायन को देखना भी नहीं है। मेरी बात थोड़ी सी समझ में आ रही है? ठीक है, आएगी धीरे धीरे, धीरे धीरे पचा पाओगे।
कि हाउ वी डिसाइड दैट सब्स्टिट्यूशन कब होगा और एलिमिनेशन कब होगा। और अभी तुम इसमें दिमाग उतना मत लगाओ, अभी तुम थोड़ा सा पेशेंस रखो और मुझ पर ट्रस्ट रखो कि हाँ सर आने वाले टाइम में बताएंगे, ठीक है। अभी हम मान के चल रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है वो बीटा के, वाटर जो है वो बीटा वाले पे अटैक करवा रहा है और एलिमिनेशन रिएक्शन टेक प्लेस हो रही है, ठीक है। अब चूंकि दोस्त रिएक्शन दो स्टेप में हुई है, ये स्टेप अटैक है, तो ये वाला हमारा स्टेप स्टेप फास्ट होता है, ओके। पहला स्टेप हमारा स्लो होता है। अब हम हमेशा जानते हैं कि अगर रिएक्शन टू स्टेप में है, इन टू स्टेप्स रिएक्शन, ठीक है, द स्लोएस्ट स्टेप इज नोन एज आरडीएस बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। तो यहां पे आई एम सॉरी, यहां पे जो रेट को डिटरमाइन कर रहा है स्टेप नंबर फर्स्ट होगा, जस्ट वन सेकेंड, यहां पे जो रेट को डिटरमाइन कर रहा है वो मेरा स्टेप नंबर फर्स्ट होगा, ठीक है, क्योंकि वही वही स्लो स्टेप है। मतलब रेट जो हैगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, सब्सट्रेट पे डिपेंड करेगी, बेस का कोई मतलब नहीं है। और इसलिए आप रेट इज इक्वल टू क्या बोलोगे, रेट कांस्टेंट के, दैट इज सब्सट्रेट। जब आप सब्सट्रेट यूज कर रहे हो तो यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप लिख रहे हो वन, और दैट्स वाई इस रिएक्शन को अपन लोग ऑर्डर के नाम पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बुलाते हैं, ऑर्डर के नाम पे इसको अपन लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बुलाते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब एक बात ये लॉजिकली सोची जा सकती है कि हाँ सर आप अगर इसके ग्राफिकल अप्रोच देखते हो, इसका ग्राफिकल अप्रोच देखते हो तो क्या कहता है आपको ग्राफिकल अप्रोच? बहुत साफ ग्राफिकल अप्रोच कहेगा, पहले तो आप मुझे पीछे से, मैं बोलते बताते चला आ रहा हूँ, फिर तुम मुझे बताओ इस बार, बताओ यार कि कितने ग्राफ में पीक बनने चाहिए, कितना इंटरमीडिएट बन रहा है। तो हमने बात पढ़ी है ट्रांजिशन स्टेट इज इक्वल टू इंटरमीडिएट प्लस वन, दोस्त ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बहुत बार मैंने पढ़ा रखा है। क्योंकि यहाँ पे फॉर दिस रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारा एक है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोकेटायन, ये हमारा एक है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोकेटायन, तो दोस्त आप ट्रांजिशन स्टेट सीधे सीधे कितना लिखोगे, TS इज इक्वल टू वन प्लस वन, कितना हो जाएगा दो। मतलब ग्राफ में कितने पीक बनने वाले हैं दोस्त, ग्राफ में कितने पीक बनने वाले हैं दोस्त, आंसर इज सर दो पीक बनने वाले हैं, है ना, साफ साफ दिख रहा है। अब एक बात सोचो, पीक की बात करते हैं तो ये मेरा एनर्जी है और यहाँ मेरा रिएक्शन कोऑर्डिनेट कहो या रिएक्शन प्रोसीड कहो, है ना। स्टेप में हो क्या रहा है कि मान लेते हैं पहला स्टेप कुछ यहाँ रहा होगा, मैं एक बार पहले ग्राफ बना लेता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। ये ग्राफ कुछ मैंने ऐसे बनाया है, थोड़ा सा ज़्यादा पीक ले लिया, नहीं लिया है इसको, कहो तो रब कर देते हैं एक बार, जस्ट वन मिनट, ठीक है, बहुत रफली सा डायग्राम बन गया है, कोई बात नहीं, आप समझदार हो दोस्त, यू आर अमेजिंग, आप समझदार हो, है ना। देखो हो क्या रहा था कि यहाँ पे मेरे पास 3 डिग्री का हैलाइट था, यहाँ मैं मी लिख दे रहा हूँ यार, ठीक है। पहले ट्रांजिशन स्टेट ऐसा आया जहाँ पे ये वाला बॉन्ड हट रहा है, ये बॉन्ड क्लीव हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, और फाइनली दोस्त तुम्हें यहाँ पे कार्बोकैटायन बनते नज़र आया, ये मी और ये मी, इसको अपन लोग इंटरमीडिएट बोलेंगे,
दूसरा है अटैक ऑफ बेस, तो इस बेस के ने इस हाइड्रोजन को अलग कर लिया दोस्त ऐसे, और यहाँ पे दोस्त ये वाला जो बॉन्ड है मैं इसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ कि ये वाला बॉन्ड जो हो रहा होगा ये ब्रेक हो रहा होगा और ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, और चूंकि आपने वाटर लिया था और वाटर ने आप इस पर अटैक करा रहे होगे तो ये वाला बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा। और फाइनली एट द एंड ऑफ द ईल्ड जो आएगी वो हमारी कुछ दोस्त ऐसी आएगी आएगी, मान लोगे दोस्त इस बात को। अब इस पे कुछ कमेंट करने वाली बात है, जो कमेंट करने वाली बात है कि यार पहला तो देखो ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मैं इसको लिख देता हूँ TS1, इसको लिख देता हूँ I, इसको लिख देता हूँ TS2, दिस इज़ माई TS2 एंड दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट मैं इसका लिख रहा हूँ। और अगर मैं इसको एनर्जी प्रोफाइल में अरेंज करता हूँ, अगर मैं इसको एनर्जी प्रोफाइल में अरेंज करता हूँ तो आप देख सकते हो कि जो TS1 है वो TS2 से ज़्यादा एनर्जी रख रहा है। अभी मैं डिस्कस भी करूँगा ऐसा क्यों हो रहा है। और उसके बाद आपको दिख रहा होगा इंटरमीडिएट का आई, उसके बाद आपको दिख रहा है रिएक्टेंट का, और फाइनली दिख रहा है प्रोडक्ट का। मतलब ये तो बात मानते हो ना, जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। और वैसे भी यार ट्रांजिशन स्टेट्स की कंडीशंस हैं तो वहाँ पे तो हाई एनर्जी होगी। हाँ, ये बात अलग है कि तुम ज़रूर पूछो कि सर ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट के पीक को आपने ऐसे क्यों नहीं बनाया, मतलब ये क्यों नहीं पीक गया, मतलब ये पीक लो होता सर ये पीक हाई होता ये क्यों नहीं हुआ। तो मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगा, इसका सीधा सा जवाब ये है कि बेटा मेरे यहाँ से यहाँ का मान लो एक्टिवेशन एनर्जी लगा होगा EA1, और यहाँ से यहाँ लगा होगा एक्टिवेशन एनर्जी EA2। बहुत बहुत स्लाइटली बात कर रहा हूँ दोस्त, तुम्हें पता है कि पहला स्टेप स्लो है, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप दोस्त फास्ट है। और तुम ये जानते हो कि केमिकल काइनेटिक्स का कंसेप्ट ये बोलता है कि जो स्टेप स्लो होगा उसकी एक्टिवेशन एनर्जी नॉर्मल से हाई होगी, और जो स्टेप फास्ट होगा उसका एक्टिवेशन एनर्जी नॉर्मल से लो होगा। इसलिए मैंने इसका पीक 1 वाले का ऊपर किया और 2 वाले का मैंने पीक नीचे किया, ये बात जानते हुए कि ईवन जो है वो ग्रेटर देन है EA2 से। मतलब अगर आप इस ग्राफ की जगह ये ग्राफ बना दोगे तो दोस्त बहुत शिद्दत से रॉन्ग हो जाएगा ये ग्राफ। ये बात बात मेरी समझ में आ रही है, ये बात मेरी समझ में आ रही है, क्लियर कट है, आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, अभी हमने इसमें लिखा है ये बात कि जो रिएक्शन का जो रेट है, रिएक्शन का जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ सब्सट्रेट पे डिपेंड करता है। कहाँ लिखा है मैंने यार, ये यहाँ लिखा है, रिएक्शन का जो रेट है वो सब्सट्रेट पे डिपेंड कर रहा है। मतलब सिर्फ और सिर्फ सब्सट्रेट डिसाइड करेगा कि रिएक्शन स्लो है या रिएक्शन फास्ट है, इसमें बेस का कोई रोल नहीं है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ईवन की बात कर रहा हूँ, ईवन में बेस का कहीं कोई भी रोल नहीं है, ठीक है, ओके। बेस में ईवन का मैं बेस का कोई रोल नहीं है, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि इफेक्ट ऑफ सब्सट्रेट पढ़ा दो सर और सर मेरा काम हो जाएगा। कैसे कहेंगे कि सब्सट्रेट जो है वो डिसाइड करेगा, तो देखो 3 तरह के सब्सट्रेट की पॉसिबिलिटी है दोस्त। एक पॉसिबिलिटी 3 डिग्री से हलाइड लिया और इसका सब्सट्रेट बनाया, इंटरमीडिएट बनाया, कार्बोकैटायन, दैट इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन। एक पॉसिबिलिटी है कि मैंने 2 डिग्री का लिया और इसका कार्बोकैटायन बनाया, ठीक है, बाकी एच सी वैलेंसी पूरी करते रहना यार। और एक है आपने लिया और कार्बोकैटायन 1 डिग्री का बनाया। बहुत बार हम इस बात को जानते हैं, बहुत बार हम इस बात को जाने हैं कि
मोर द स्टेबल द कार्बो कटायन फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत बार हम इस बात को देखे हैं, हमने सब्स्टिट्यूशन में भी ये देखा था, हमने SN1 में भी ये देखा था और इवन में भी यही देख रहे हैं, जितना स्टेबल कार्बो कटायन होगा उतना ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल बनेगा और बनने वाला ईल्ड उतना ज़्यादा और फास्ट रेट का बनेगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका सीधे सीधे ऑर्डर ऐसे लिख दिया जाएगा, 3 डिग्री, देन आप 2 डिग्री लिख सकते हो एंड देन आप 1 डिग्री लिख सकते हो। इन केस ऑफ अभी मैं बात कर रहा हूँ इवन की, ठीक है, इवन की ही बात चल रही है, मैंने टू की कोई बात नहीं की है दोस्त। ठीक है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ड्यू टू स्टेबिलिटी कंसेप्ट ऑफ कार्बोकैटायन। तो फाइनली स्टेबिलिटी कंसेप्ट ने हमको ये सिखाया, कि आप जितना ज्यादा कार्बोकैटायन को स्टेबल मानोगे उतना यील्ड जो है वो बेटर यील्ड आएगी। ठीक है, और उतना रिएक्शन का रेट फास्टर होगा। अब इसका ग्राफ के पीक्स में भी कहीं थोड़ा अंतर पड़ेगा क्या? एक बार सोचो थोड़ा डेप्थ में जाके कि क्या ग्राफ के पीक्स में भी इसका अंतर पड़ेगा। देखो, हाँ पढ़ना जरूर चाहिए, हाँ जरूर पढ़ना चाहिए। कहाँ वाले ग्राफ में पीक में फर्क पड़ेगा? तो आंसर इस इंटरमीडिएट के बाद। देखो लॉजिकली सोचना दोस्त, मैं इसका ग्राफ कुछ ऐसे बना रहा हूँ, मैं तीनों ग्राफ एक साथ बना देता हूँ, मर्ज कर दे रहा हूँ एक बार में। ये एनर्जी था, ये मेरा रिएक्शन कोऑर्डिनेट है दोस्त, यहाँ से लिया, ये बनाया और ये एक प्रोडक्ट बनाया। इमेजिन क्या करोगे कि थोड़ी देर के लिए ये वाला आपका 1 डिग्री का है, तो कहीं ना कहीं 2 डिग्री का कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से गया और ये ऐसे आएगा, ये 2 डिग्री का बना, और कहीं ना कहीं यहाँ तो चला आपका 3 डिग्री का बना। मेन इंपॉर्टेंट दोस्त एनर्जी के गैप को देखना होता है हमको, और हम देखते हैं कि सबसे कम एनर्जी जो है वो 3 डिग्री के कार्बोकैटायन में लग रही है। या सब में कार्बोकैटायन बनेगा ना यार, तो इसलिए इससे रिएक्शन का रेट डिसाइड होगा, इससे यील्ड डिसाइड होगी, इससे बनने वाला प्रोडक्ट डिसाइड होगा। तो कहीं ना कहीं पीक में थोड़ा फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, पीक में फर्क पड़ने का मतलब हमारा रेट के में फास्ट और स्लो में फर्क पड़ना, एक्टिवेशन एनर्जी में फर्क पड़ना। ठीक है, आई होप मेरी बात तुम्हें जहन में जा रही होगी कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ उस चीज से। ठीक है, नेक्स्ट सवालों का जंजाल लगा दूंगा, ये भी हो सकता है। मन में अगला सवाल जरूर आता है लोगों के कि सर यहाँ पे आपने इसको झुंझुना पहनाने के लिए आपने पानी डाला। ठीक है, आपने इस रिएक्शन को करने के लिए आपने पानी का सहारा लिया, या यू कहूँ सर कि आपने एक प्रोटिक सॉल्वेंट का सहारा लिया है। नो डाउट आपने प्रोटिक सॉल्वेंट का सहारा लिया है। क्या होगा अगर मैं इस रिएक्शन को प्रोटिक की जगह पोलर के प्रोटिक की जगह पोलर के ए प्रोटिक लगा दूं या नॉन पोलर सॉल्वेंट लगा दूं? क्या ये रिएक्शन प्रोसीड करनी चाहिए? दिल से आवाज़ आ गई होगी, आंसर इज नहीं करनी चाहिए। द रीज़न बिहाइंड मैं बता देता हूं बस, कि जब हमने स्टेप फर्स्ट में, याद करना, मैं यहां पे दिखा देता हूं, बस हेडिंग डाल दे रहा हूं, कि क्या इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट पड़ा होगा। अभी मैंने प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ किया था, ठीक है, अभी हमने कुछ ऐसी कंडीशन लाई थी, मैंने आपसे कहा था कि डिब्बे के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक साथ बेटा जब होंगे तो तुम्हारा इंतज़ार नहीं करेंगे कि भैया आओ न्यूक्लियोफाइल या बेस मुझ पे आके अटैक करो, वो बैकवर्ड जानेंगे। तो आपने जो झुंझुना पहनाया था वो उसको पानी का पहनाया था,
कि बेटा नहीं तुम्हें तो अलग रहना है, तुम अलग नहीं रहोगे तो बेस आके अटैक कैसे करेगा, तो अल्कीन कैसे बनेगा। तो इसको ने कहा अलग करने का तरीका हमने क्या निकाला था, हमने पानी डाला था। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं पानी की जगह इसी सेम कंसेप्ट में मैं पानी की जगह क्या मैं किसी और सॉल्वेंट को यूज़ कर लूँ, जैसे मैंने कहा मैं एसीटोन को यूज़ कर रहा हूँ, एसीटोन को यूज़ कर रहा हूँ, एसीटोन सी डबल बॉन्ड ओ होता है। ये कुछ ऐसा है, इसको मैं उल्टा कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है यार, सी थ्री के साथ ए दोस्त कुछ ऐसा कर लूँ, झुंझुना पहनाना आसान रहेगा। तुम खुद पर्सनली सोचो, मैंने दो तीन बार बताया है और फिर से आज बता देता हूँ कि ये पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो हमारे कार्बोकटायन पे इफेक्ट दिखाते हैं, कार्बन आयन पे इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। मतलब कहने का सेंस ये है कि यार यहाँ पे इसकी इसकी क्राउडिंग और सीएल की क्राउडिंग इतनी तगड़ी होगी कि वो इफेक्टिव यील्ड नहीं आएगा। और नॉन पोलर की तो बात ही छोड़ो, नॉन पोलर तो इन दोनों को अलग करने से रोक ही नहीं सकता, मतलब वापस जुड़ने से रोक ही नहीं सकता, तो नॉन पोलर की तो हम बात ही नहीं करेंगे। सवाल है कि बस आप सर पोलर प्रोटिक को यूज़ कराओगे या पोलर ए प्रोटिक को यूज़ कराओगे। तो बस एक बात याद रखना, जब मैं इवन रिएक्शन की बात कर रहा हूँ तो मैं पोलर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को यूज़ करूँगा, ठीक है, मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को यूज़ करूँगा इवन रिएक्शन कराने के लिए, ठीक है, क्योंकि इससे ही हमारा इंटरमीडिएट जो होगा दोस्त वो स्टेबल होगा, लिख सकते हो बिकॉज शॉर्टकट में लिख रहा हूँ बे, बिकॉज इंटरमीडिएट विल स्टेबल, इंटरमीडिएट विल स्टेबल, स्टेबिलिटी बोलूँ या आयनिक स्टेबिलिटी बोलूँ या आयनिक इंटरमीडिएट बोलूँ, सब वर्ड्स हैं अपने अपने। मेरा बस मोटिव ये है कि भाई साहब अगर आप इसको अलग नहीं करोगे तो वो वापस बैग भाग जाएगा और तुम्हारा इंतज़ार नहीं करेगा कि हाँ सर मैं अटैक कर रहा हूँ, मैं या ना कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। आई होप मेरी बात तुम्हें जहन में आ गई होगी क्योंकि मैंने क्या क्या बताया इवन को लेके। तो देखो इवन को लेके मैं एक बार नोट डाउन कर लेता हूँ, ऊपर ऊपर से लिख दे रहा हूँ कि इवन के क्या क्या कंडीशंस हमने बात की। कि पहली बात की कि हाँ यार सर ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। दूसरी हमने बात की कि टू स्टेप्स में होता है। तीसरी हमने बात की कि ये इसमें दो ट्रांजिशन स्टेट होते हैं और वन इंटरमीडिएट होता है इवन को लेके। तीसरी हमने बात की इवन को लेके कि ये हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में टेक प्लेस होता है, ठीक है। पांचवी हमने बात की कि इवन को लेके कि यार स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर 3:2:1 होना चाहिए अल्का हैलाइड का, ठीक है। तो ये हमने बेसिक आपसे इवन को लेके बात की। बेस की बात करते हैं तो बहुत स्ट्रांग बेस नहीं हो काम चलना चल जाएगा अगर अभी, चूंकि यहाँ पे बेस तो इंडिपेंडेंसी है, आप जान ही रहे हो कि सबस्ट्रेट डिपेंड कर रहा है इसलिए बेस का कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करोगे कि जो बेस अगर आप यूज़ कर रहे हो, जैसे तो पानी ले लो या अल्कोहल ले लो, मतलब एक वीक बेस में काम चल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये हमने कुछ कुछ इवन रिएक्शन की प्रोसीड की है। आओ एक आध प्रोडक्ट बना के देखते हैं और हम देखते हैं कि प्रोडक्ट बनने के बाद विच प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, ठीक है। जैसे मान लो, मान लेना थोड़ी देर के लिए दोस्त, तुम्हारे सामने ये कार्बोकैटायन सीएल है और यहाँ पे तुम्हारे सामने मिथाइल लगा है, और थोड़ी देर के लिए काम कर ले कि इसको सीएल के साथ यहाँ पे भी एक मिथाइल लगा दें, और हमसे बोलता है कि मुझे इस रिएक्शन को इवन रिएक्शन मैकेनिज्म करना है, बोल रहा है हीट दे रखा है और आपसे बोल रहा है कि प्रोडक्ट बनाइए। तो जब इसका प्रोडक्ट बनाओगे दोस्त तो कुछ ऐसा बनने की चांसेस है, जिस कार्बन पे सीएल लगा है उसको अल्फा, अब उसके बगल वाले को बीटा, एक इसको बोल सकते हैं बीटा हाइड्रोजन है ना, और एक इसमें लगा है इसको मैं CH2H लिख रहा हूँ, एक इसको बीटा बोल रहा हूँ। तो दोस्त एक पॉसिबिलिटी प्रोडक्ट तो इसकी है, यहाँ हो सकता है आपको ना दिखाई दे रहा हो तो यहाँ देख लो, एक पॉसिबिलिटी प्रोडक्ट इसकी है। मैं थोड़ी देर के लिए इसको बीटा 2 बोल देता हूँ,
ये मेरे बीटा टू से आने वाली पॉसिबिलिटी है, और एक पॉसिबिलिटी मेरी वन से है, दैट इज ये, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है, क्या ट्राई कर लेते हैं बीटा थ्री, बीटा थ्री से पॉसिबिलिटी एक बार ट्राई कर लेते हैं, जिसका वन जो सी एल लगा है अल्फा बीटा। तो देखो तीन पॉसिबिलिटी सिचुएशन क्रिएट हमने ऐसी करी दी कि तीन पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई, बीटा वन, बीटा टू एंड बीटा थ्री। और हमसे बोलता है कि दोस्त यील्ड बता दे, बीटा वन की मेज़र होगा या बीटा टू मेज़र होगा या बीटा थ्री मेज़र होगा। देखो यील्ड निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखो। याद रखना एलिमिनेशन रिएक्शन जनरली थर्मोडायनेमिकली होती हैं, काइनेटिक डिपेंडेंट नहीं होती हैं, बट फिर भी आपको हमेशा क्या देखनी चाहिए, यील्ड देखनी चाहिए। और यील्ड आपने बहुत बार देखा है कि यार अल्कीन की बात करें तो यहाँ पे दो और दो चार अल्फा दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको तीन तीन छः दो आठ दो दस अल्फा दिख रहे हैं, यहाँ पे मुझे तीन यहाँ से दो यहाँ से पाँच और एक यहाँ से छः अल्फा दिख रहे हैं दोस्त, तो मेजर कौन सा हो जाएगा यार, ये हो जाएगा, बाकी ये दोनों क्या रहेंगे, माइनर रहेंगे। और ऐसी चीज टर्म को बोलते हैं रीजियो सेलेक्टिविटी। रीजियो सेलेक्टिविटी वर्ड तब यूज होता है जब आपको सेलेक्ट करना पड़ जाए। रीजियो का मतलब इनकी आइसोमर फॉर्म है इनमें, ठीक है, ओके, इनके आइसोमर फॉर्म हमने बना दिए हैं और कुछ नहीं, रीजियो को चेक करने के लिए। अच्छा एक सेकंड यार, यहाँ पे मैंने देखा कम, यहाँ से हिस्ट्री गायब कर दिया है, तो एक काम करो, दो एक तीन, तीन अल्फा है ना, अब ठीक है तीन अल्फा है, तो ओवरऑल माइनर ये हैं, ये सब मेजर ही मेजर हैं वाला। ओवरऑल हमारा, हमको ये निकला कंक्लूजन कि ये मेरा बीटा टू था, ये मेरा बीटा वन था, ये मेरा बीटा थ्री था। तो दोस्त बीटा वन जो हो गया वो अपना क्या हो गया, मेजर हो गया, द रीज़न बिहाइंड मोर देन नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर इज़ द हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबिलिटीज एंड मोर स्टेबल इज़ द एल्कीन, ठीक है। तो ये हमने देखा कि कैसे हमको मेजर और कैसे हमको माइनर डिसाइड करना होता है इन केस ऑफ इवन रिएक्शन, ठीक है। आई होप मेरी बात आपको थोड़ी सी समझ में आई होगी। हम अभी इस बात पे कंक्लूजन नहीं निकाले हैं कि कैसे हम पता कर रहे हैं कि हमको एसएन करना है या एलिमिनेशन करना है, या कितने और टाइप के एलिमिनेशन होते हैं, कितने और टाइप के एसएन होते हैं, इन सब की बातें हम धीरे धीरे नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी आप धीरे धीरे पचाइए बस कि क्या होता है एलिमिनेशन, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और ट्राई करके देखिए। मान लीजिए ये है और यहाँ पे आपको मैं इवन दे रहा हूँ और हीट दे रहा हूँ और आपसे बोल रहा हूँ कि यार दोस्त प्रोडक्ट बना दो। तो अब जनरली लोग मिस्टेक क्या करते हैं, पहले मैं वो करूँगा जो आप मिस्टेक करते हो। आपको लगता है जिसका हाइड्रोजन लगा है ये अल्फा यहाँ पे तो है नहीं, बचता है सीधे यहाँ पे, तो आप एक काम करते हो बीटा टू को कंसिडर करने लगते हो, वन को कंसिडर नहीं करते हो। तो आपको लगता है सीधे सर इसका प्रोडक्ट ये बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है, ऐसे है ना, जिसका वन पे सी एल लगा है, तो ये असल में लेकिन रॉन्ग प्रोडक्ट है। पूछोगे रॉन्ग क्यों है, तो यार आपने पढ़ा है कि जब भी कभी भी फ्री कार्बोकटायन होगा, जब भी कभी भी आपके पास फ्री कार्बोकटायन होगा तो आप कोशिश करोगे कि उसका रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो आप उसका रीअरेंजमेंट कराओगे, बिकॉज ऑफ द टू अचीव द मोस्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। तो आओ सवाल को दोबारा करते हैं। यहाँ सवाल कुछ ऐसा था, मैंने इवन दिया और आपसे कहा कि आप मुझे प्रोडक्ट की यील्ड बताओ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले इसका कार्बोकटायन बनाओगे दोस्त, तुरंत एच नहीं ले आते हैं, एच बाद में देखेंगे। जब जैसे ही आप इसका कार्बोकटायन लाओगे तो ये जो मिथाइल ग्रुप आपको देख रहा है ये मिथाइल शिफ्ट की हेल्प से आप सीधे यहाँ पहुँच जाओगे। एक कार्बोकटायन यहाँ, ये ऐसे यहाँ पे सी एच थ्री और एक सी एच थ्री यहाँ पे, मैं वैलेंसी पूरी कर दे रहा हूँ बाकी, ठीक है। अब तुम्हें दोस्त दिख रहा होगा एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो इसको हटा दो, और जब तुम इसको हटाओगे तो तुम्हें यील्ड कुछ ऐसी आएगी,
ठीक है, मतलब आपको एक ईल्ड तो ऐसी आई और एक ईल्ड ऐसी आई, दो ईल्ड आई। अब आप बताओ यार कौन सा मेजर, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे 12 अल्फा डिविडेंड दिख रहे हैं, यहाँ पे कितना दिख रहा है, एक भी नहीं है ना, कुछ है ही नहीं देखने के लिए। तो कौन सा मेजर हो गया, कौन सा मेजर हो गया, ये रॉन्ग हो गया और ये हमारा क्या हो गया इस वाले क्वेश्चन का, ये रॉन्ग हो गया और ये हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। तो अल्टीमेटली मेरा बस कहने का सेंस ये है कि आपको अगर फ्री कार्बोकटायन मिलता है तो गो विद द दैट फ्री कार्बोकटायन फॉलोड बाय एनी मैकेनिज्म जो आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, मैं इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दे देता हूँ। आपने डिहाइड्रेशन ऑफ कभी अल्कोहल पढ़ा होगा, ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल असल में दोनों जाता है, ईवन से भी जाता है, ईटू से भी जाता है, बट अभी मैं ईवन को फॉलो कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ दोनों को जाता है, यहाँ पे कैटलिस्ट का फर्क पड़ता है कब ईवन जाएगा और कब ईटू जाएगा, इसका डिसीजन आपको लेना है। अभी मैं आगे सिखाऊंगा कि कैसे ईवन पहचानते हैं, कैसे ई2 पहचानते हैं, कैसे SN2 पहचानते हैं। अभी बस आप मेरी बात मानो कि हाँ सर ये ईवन को आप फॉलो करवा रहे हो, और ईवन को फॉलो करा रहा हूँ तो देखना ध्यान से देखना। मान लेना ये मेरे पास हाइड्रोजन है, बाकी यहाँ पे कुछ ग्रुप लगाना लगा लो, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले इसको प्रोटोनेट करोगे, जब उसको प्रोटोनेट करोगे तो दोस्त कहानी कुछ ऐसे पहुँचेगी, और यहाँ पे तुम्हें एक फ्री फॉर्म ऑफ कार्बोकैटायन मिलेगा, तुम्हें एक फ्री फॉर्म ऑफ कार्बोकैटायन मिलेगा जो कि ये फ्री कार्बोकैटायन है। फ्री का मतलब बाइंड ना किया हो, उसको बोलते हैं फ्री। अब क्या करते हो, ये आपका, अब क्या करते हो, इसके बाद यहाँ से आप H+ को बाहर निकाल देते हो और आपकी एल्कीन तैयार हो जाती है, इसी को आप बोलते हो डिहाइड्रेट होना। डिहाइड्रेट वर्ड ही आया है पानी से अलग करना, ठीक है, वहाँ से पानी को बाहर निकालना, बॉडी बोलते हैं डिहाइड्रेशन हो गया यार बहुत, मतलब पानी की कमी हो गई, मतलब पानी बाहर निकल गया है। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन रिएक्शन फॉलो करा रहे हैं बाय यूजिंग एनी स्ट्रॉन्ग एसिड सच एज सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड टाइप, तो वह हमको ईल्ड मिल रही है। ठीक है, तो हम ये देख पा रहे हैं कि कैसे हम एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं। हाँ, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ऐसे भी आपके साथ गेम खेलूंगा यार, जैसे देखो ये यहाँ दे दूंगा आपको मैं कॉन्गेस्टोसिफोर H+ के साथ और बोलूँगा प्रोडक्ट बना दो, आपसे बोलूँगा प्रोडक्ट बना दो, तो क्या करोगे, पहले आप कार्बोकैटायन यहाँ बनाओगे, इस कार्बोकैटायन के बाद आप इसको रिंग एक्सपेंशन कराओगे, आप इसका रिंग एक्सपेंशन कराओगे, अब आपने रिंग एक्सपेंशन बहुत बार किया है मेरे साथ, ये 5 सी रिंग कहां पे लेके जाओगे दोस्त, 6 पे लेके जाओगे। अब यहां से एक्सप्रेस बाहर निकालोगे और फाइनली आप इसको हीट करके एल्कीन बना दोगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो एल्कीन बन रही है वो हमारी मेजर एल्कीन बननी चाहिए किसी भी कॉस्ट पे। जब आप क्या कर रहे हो ईवन कर रहे हो, E2 में ऐसा नहीं होगा। अभी मैं E2 की मैंने कुछ बात भी नहीं की तो बताऊंगा भी नहीं, है ना, कब E2 लगता है। अभी आप फिलहाल ईवन पे फोकस करो, ईवन पे ईल्ड बनाओ, ईवन पे डिहाइड्रेशन करो, फलाना ढिमकाना तुम्हारी मर्जी क्या करते हो, बट हमसे इस बात से मतलब इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे लिए कार्बोकैटायन स्टेबल होना चाहिए, उसके बाद ही आप H+ को बाहर निकालोगे। ठीक है, बस नोट करके इस बात को कहीं लिख लो, कहीं पे भी सवाल सर ऐसा देते हैं हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, अब देखो अब मैं आपको बस परेशान करके क्वेश्चन दे रहा हूं और कुछ नहीं। यहाँ दे देता हूँ H+, मैं बोल रहा हूँ ईवन फॉलो करो और हीट करो,
ये इवन फॉलो हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो कोई काम वही करोगे, पहले कार्बोकैटायन लाओगे। अच्छा इसको एक काम करो, तो थोड़ा सा सिंपल कर दो इस क्वेश्चन को। और अब मजा आएगा, अब इस क्वेश्चन को जरा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई मारियो तो कि क्या यील्ड दोगे। यहां निकाल दें सटे से, सटे से नहीं ना, रिंग एक्सपेंशन कराए ना दोस्त, पक्का ना। रिंग एक्सपेंशन हम सीख के आए हैं, आई एम सॉरी यार। रिंग एक्सपेंशन सीख के आए हैं, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन नहीं, डबल रिंग एक्सपेंशन होगा दोस्त, डबल रिंग एक्सपेंशन, यू कुछ ऐसी कंडीशन। अरे यार ये बना लेना, ठीक है ठीक है, बस अब यहाँ से निकाल देना, दिमाग तुम्हें लगाना है, तुम्हारा काम है, मेरा हेडेक नहीं है। एक बार ये रिंग एक्सपेंड होगी, एक बार वो रिंग एक्सपेंड होगी, गेम खत्म। ठीक है, ये सब पीछे मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं, तो ये जो बातें मैंने आपको बताई, जितनी बातें मैंने बताई, ये सारी बातें हमारी इवन को लेके हैं। किसको लेके हैं? इवन को लेके हैं। अब हम नेक्स्ट टर्न पे जब हम आपसे बात करेंगे, तो हम आपसे ई टू की बात करेंगे, और फिर हम इवन ई टू का कंपेयर करेंगे, और फिर हम ये आपको बताएंगे कि कैसे हमें पता चल गया, या मैं कैसे जान गया, या न्यूक्लियोफाइल को कब सपना आएगा कि बेटा तुझे तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करना, तुझे बेस की तरह काम करना है। और इसके बाद मैं एक पूरी पूरी क्वेश्चन की सीरीज रहूँगा, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इवन ई टू एंड इवन सी बी, सब पढ़ाने के बाद। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, इसको एंजॉय करने के लिए। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, और दूसरा दूसरा भाई चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और यहाँ पर नोटिफिकेशन दे रखा होगा उसको दबा देना भाई। ठीक है, और जो कमेंट्स बोल रहे हैं कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक भी कर देना। ठीक है, इसके अलावा मेरे कोड को ज़रूर याद रखना, यही तेरे को दोस्त 10% का डिस्काउंट दिलाएगा। और जल्दी जल्दी आप हमारे प्लस कोर्स को ज्वाइन करो, तो हमसे मिलो वहाँ पे। ठीक है, टेक केयर, बाय।